तो जो भगवत गीता का जो विज्ञान है वो कृष्ण अर्जुन को दिया था 5,000 साल पहले। कहाँ पे दिया था? कुरुक्षेत्र का बैटल फील्ड में दिया था। तो ये कुरुक्षेत्र का बैटल फील्ड में जब भगवान कृष्ण 5,000 साल पहले ये भगवत गीता का नॉलेज दिया, उसके बाद उसके कुछ दिनों बाद भगवान आध्यात्मिक जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो भगवान का धाम है उस धाम में लौट के गया भगवान। भगवान उनका लीला खत्म कर दिया इस मेटेरियल वर्ल्ड इस पृथ्वी लोक में उनका लीला खत्म कर दिया और स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत में लौट गया। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्मो नोति मामेति सो अर्जुन। लेकिन भगवान कृष्ण स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके देख रहा है कि भगवत गीता, भगवान सोच रहा है भगवत गीता तो मैं दे के आया पृथ्वी में, लेकिन कोई भगवत गीता को पालन नहीं कर रहे, कोई भगवत गीता को फॉलो नहीं कर रहे। भगवत गीता का अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन क्या है? भगवत गीता का अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है सर्वधर्मान परित्यज्यो माम एकम शरणं व्रजो अहं त्यां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। ये भगवत गीता का अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है। और ये भगवत गीता का अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन भगवान देख रहे हैं कि कोई कलयुग में फॉलो नहीं कर रहे। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप में आया 500 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु का रूप में आके भगवान सबको सिखाया कि कैसे उनका खुद का भक्ति किया जा सकता है और इस कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, वो हरिनाम संकीर्तन भगवान चैतन्य महाप्रभु स्टार्ट किया इस कलयुग में। भगवान चैतन्य महाप्रभु इनॉगरेट किया वो हरिनाम संकीर्तन। तो भगवान भगवत गीता में बोल रहा है राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। Liron, can you read the translation of this shloka? Yes, Prabhu. The shloka is not visible, only the first page is visible. Okay, now it is not visible? Yes, visible, visible. Okay, yes. Translation, sorry. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception to the of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. Yes, thank you. So this knowledge of Bhagavad Gita, Raja Vidya Raja Goyam, it is the purest knowledge actually. The knowledge of Krishna, Krishna's activities is actually the purest knowledge. Krishna is the epitome of purity. Krishna is a supremely pure person. He is a supreme person, Bhagavan. तो भगवान का ये जो नॉलेज है, भगवान का एक्टिविटीज का, भगवान का कार्यकलापों का जो नॉलेज है और भगवान का एनर्जी का, भगवान का जो विज्ञान है, ये सबसे प्योर नॉलेज है। ये नॉलेज पाके और कुछ नॉलेज पाने का जरूरत नहीं है एक्चुअली, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट नॉलेज। Nothing else, nothing further remains to be known after knowing this knowledge. This is the highest knowledge.
द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इससे ऊपर का कुछ नॉलेज नहीं. दैट इज व्हाई राज विद्या राज गुह्यम सीक्रेट मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज राज विद्या. And it is to be realized, it is to be practiced in our lives. This knowledge is not to be only kept in the knowledge platform. It is to be practiced in our lives. Just like in the science, there is experiment and theory. So only theoretical knowledge will not help. We have to apply those knowledge in our lives. So therefore, just like that application, to apply the knowledge of Bhagavad Gita in our life, that application was actually it was taught to the whole world by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu, Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu, he started kiya Harinam Sankirtan or Hare Krishna Mahamantra ka jo chanting ka process hai, Chaitanya Mahaprabhu diya. और चैतन्य महाप्रभु से भारतवर्ष ने ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया था और यही हरे कृष्ण महामंत्र को सारा दुनिया में लेके गया है. हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांतो स्वामी प्रभुपाद, जिनको हम लोग श्रील प्रभुपाद बोल के जानते हैं. तो इन द नेक्स्ट slide, you see, knowledge means MSc. बहुत लोग MSc degree करता है, तो actual MSc क्या है हम लोग देखेंगे. Actual knowledge MSc means to know matter, spirit and the controller of both. So matter, jado, or it is the inferior energy of Krishna. Matter is the inferior energy. And it is two types are there, gross matter and subtle matter. What are the five components of gross matter? Earth, water, fire, air and ether. And subtle matter, what is it made up of? Can anyone tell? Mind, intelligence and false ego. Yes. Man, buddhi or ahankar. So subtle body is made up of these three things, mind, intelligence and false ego. But the spirit soul, we are spirit soul. Hum log atma hain. Hum log sharir nahi hain. We are all spirit souls. We are not these bodies. We are encased within these bodies. But we identify ourselves with the body. And that is the problem actually. That is the problem with the living entity. Yahi jivatma ke sath problem hai ki jivatma sochta hai ki hum ye sharir hai. Lekin jivatma, hum log sab, jivatma Bhagwan ka ansh hai. Part and parcel of Krishna. Krishna is the supreme soul, super soul. He is having infinite energy. He has infinite power. But living entity is infinitesimal, very minute actually. So the spirit soul is eternal. It is everlasting. Nainam chindanti shastrani, nainam dahati papaka, na chainam kledayanti yapo, na shoshayati na maruta. The living entity, the spirit soul, cannot be killed. The body will die, but the spirit soul will not die. Eternal. Spirit soul is eternal. Knowledge. Spirit soul is having consciousness. And it is blissful, blissful. That means it is always seeking pleasure.
Therefore, everyone in this world is seeking pleasure. So this pleasure seeking tendency, sab koi anand chahta hai, ye kyun hai? कोई निरानंद नहीं चाहता है, ये क्यों ऐसा है? ये ऐसा यही है, इसलिए है क्योंकि ये स्पिरिट सोल का नेचर है ब्लिसफुल, आनंदमय भ्यासात, इट इज ऑलवेज प्लेजर, प्लेजर सीकिंग। लेकिन भगवान के कांटेक्ट में रहेगा तो आनंद पाएगा, और भगवान के कांटेक्ट में अगर नहीं रहेगा तो आनंद उसको नहीं मिलेगा। एक्चुअल जो आनंद है, एक्चुअल जो हैप्पीनेस है जो स्पिरिट सोल ढूंढ रहा है, वो नहीं मिलेगा। तो जैसे देखिए, एक छोटा बच्चा जब अपने मामी पापा के पास रहता है तो वो हैप्पी रहता है, लेकिन मामी पापा से दूर चला जाता है वो आनंद में नहीं रह सकता। सिमिलरली वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा गॉड, बट व्हेन यू आर सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा, व्हेन यू फॉरगेट कृष्णा, देन the problem comes, then we are in a diseased condition in this material world, and due to this diseased condition we are suffering and we are not happy, we are frustrated in this material world trying to find happiness in different things. So Krishna is the supreme proprietor, wo sarvashaktiman aur sab kuch ka malik hai Bhagwan Shri Krishna. Yes, Anirudh, can you read what is written? Yes, Prabhu. The real proprietor of a place is one who owns the place for all times to come, and nobody else can usurp that. Yes. So just for example, people take birth in a land and they claim that this is my land. But after they die, this land goes to another's hand. But people feel that this is my property, I am the owner of this property, like these things. And this is actually foolishness. Actually, this is ignorance. If a man is staying in a rented flat and refuses to pay the rent as per the 11th month's contract, then he will be told to get out. Isn't it? So the flat owner is someone else. He is not the owner. He is just a tenant. He is just residing for some time. He is not the owner. Similarly, actually, we are not the owner of anything in this world. The actual owner is Lord Krishna. We are not the owner of our own body also. The actual owner is Lord Krishna. None of the things of this material world belongs to us. It belongs to Lord Krishna. Neither our home, neither our body, neither our belongings, anything. We have to identify, we have to understand that all the possessions are actually not our own. It belongs to Krishna. So, we see the biggest emperors of this world, the great emperors like the Roman Empire, Greek Empire, the Mughal Empire, the Persian Empire, the British Empire, the Russian Empire, all the empires, they came and went. None of them were permanent. The British Empire, they ruled India for 200 years. Everyone thought that the British Empire will never end. Everyone thought that the Roman Empire will never end. But all of them ended. Everything has a start and end in this material world. Nobody is permanent in this material world. Alexander the Great, Alexander बहुत महान था, लेकिन पूरा दुनिया विजय कर लिया था, लेकिन फिर भी
कुछ नहीं लेके जा पाया मृत्यु के बाद। तो कोई भी इस दुनिया का इधर पे परमानेंट नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, उसको ये बॉडी छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वो गलती से सब बोलता है कि इसका हम कंट्रोलर हैं, हम इसका ओनर हैं। ये मिसकॉन्सेप्शन है। द रियल ओनर इज कृष्णा। इफ ही इज द रियल ओनर, देन एवरी ही विल बी द ओनर फॉर ऑल टाइम्स टू कम, बट इट इज नॉट सो। द गवर्नमेंट्स दे कीप ऑन चेंजिंग, कोई भी परमानेंट नहीं रहता है। तो यही है नेचर मेटेरियल वर्ल्ड का। कितने बड़े बड़े राजा आया, हिटलर आया, मुसोलिनी आया, औरंगजेब, सब खत्म हो गया। उसके बाद सद्दाम हुसैन, कितने सब बड़े बड़े राजा बहुत कंट्रोल करने का कोशिश किया, लेकिन वो लोग खुद ही मृत्यु का सामने अपना घुटना टेक दिया। तो नन ऑफ द किंग्स लास्टेड फॉरएवर। सो ईशोपनिषद में एक मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दैट मंत्र? शुभदीप, कैन यू रीड? एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट that is within the universe is controlled and owned by the Lord. Ishopanishad mantra 1. Everything that you saw, everything that you see in this world is actually belonging to Krishna. Krishna sab kuch ka malik hai. Hum log malik nahi hai. Log galti se ye sochta hai ki hum log malik hai. कोई लेबरर अगर सोचता है कि ये बिल्डिंग उसका खुद का है, तो उसको बहुत, मतलब जो असली मालिक है उसको बहुत मारेगा। अगर वो सोचता है कि ये बिल्डिंग मेरा है, उसका है, अगर सोचेगा तो लेबरर बस काम करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए है बस, वो मालिक नहीं है। इज जस्ट देयर टू मेक द बिल्डिंग, to just construct the building, and then after that he is supposed to leave. It is to be enjoyed by the owner actually. लेकिन laborer अगर claim करेगा मेरा property है, तो बस उसको मालिक बहुत उसको पिटाई देगा। तो इसी तरीके से जब मनुष्य सोचता है कि हम, वो सब कुछ का मालिक है, इस material world का मालिक है, जो चाहे वो कर सकता है, इसलिए भगवान material nature, भगवान का जो एनर्जी मेटेरियल नेचर, उसको बहुत पनिशमेंट देता है। माया देवी ये मेटेरियल वर्ल्ड का जो कंट्रोलर है, माया देवी, दुर्गा देवी, उसको बहुत पनिशमेंट देता है। दुर्गा देवी अपने हाथ में त्रिशूल रखता है और लोग दुर्गा पूजा करता है और दुर्गा पूजा पैंडल में जाता है, लोग देखता है कि दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल है, लोग समझ नहीं पाता है कि उस त्रिशूल से उन्हीं लोगों को मार रहा है दुर्गा देवी। लोग ये समझ नहीं पाता है, फोटो खींचता है बहुत अच्छे से, लेकिन समझ नहीं पाता, अज्ञानता के कारण समझ नहीं पाता है। वो त्रिशूल दुर्गा देवी का हाथ में, माया देवी का हाथ में जो त्रिशूल है, what does that represent? इट इज अ थ्री फोल्ड मिजरीज, तीन प्रकार के क्लेश जो माया देवी दे रहा है, आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। आदि आत्मिक क्लेश मतलब जो माइंड एंड बॉडी के लिए जो सफरिंग होता है, माइंड और बॉडी में, शरीर और मन में जो सफरिंग होता है, वो आदि आत्मिक क्लेश बोला जाता है। आदि दैविक क्लेश मतलब जो नेचुरल कैलामिटी, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, इस तरीके का जो नेचुरल कैलामिटी के कारण जो कष्ट होता है, वो आदि दैविक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश मतलब दूसरा व्यक्ति के कारण जो कष्ट मिलता है एक जन को, आदि भौतिक क्लेश। तो ये तीन प्रकार के जो क्लेश है, ये तीन प्रकार के क्लेश और दुर्गा देवी का त्रिशूल वो रिप्रेजेंट करता है।
तो लेकिन लोग समझ नहीं पाता है कि दुर्गा देवी उन लोग को पनिशमेंट दे रहे हैं. पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट दिस फैक्ट. कृष्णा इज सप्लाइंग ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. Although we have come in the material world, but Krishna is supplying air, Krishna is supplying oxygen, Krishna is supplying food. We cannot manufacture food in the factories. We can manufacture nuts and bolts in the factories, but we cannot manufacture food in the factories. Krishna, the Supreme Lord, is supplying all these necessary items in our life. Krishna is supplying the vegetables, the grains, the fruits, the water, all the necessities of life. Krishna is supplying the rain, Krishna is supplying the air, Krishna is supplying the flowers. We should all offer these things to Krishna to express our love to Krishna. We can offer flower to Krishna, we can offer water to Krishna. That is the thing, whatever we eat, of course we should not eat any non-veg items, because every animal is actually part and parcel of Krishna. They are also children of Krishna. We should not kill them. So vegetarian items we can offer to Krishna and then eat. That is the best thing. And that is called as Krishna Prasadam. Offering the items to Krishna. When Krishna takes that, it becomes prasad. And then we can take that. That is the process. Krishna is supplying all the essential minerals and gems, gold, diamond, pearls. Abir, can you read what is written in this slide? Yes, Prabhuji. If we simply take supplies from the agents of the Lord for sense gratification, then certainly we become thieves. Therefore, we are punished by the laws of material nature. Yes. Material nature is actually the external energy of Krishna. Krishna ka bohiranga shakti hai, material energy. Ye material world, do tho world hai, material world, ye jo duniya, jahan pe hum log reh rahe, wo hai material world actually. मेटेरियल वर्ल्ड में चार प्रॉब्लम है हर जगह. मेटेरियल वर्ल्ड में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ. लेकिन भगवान का धाम जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ पे ये बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ ये नहीं है. ये चार प्रॉब्लम्स नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. स्पिरिचुअल वर्ल्ड है भगवान का धाम. न तद भाषयते सूर्यो न शशंको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम. सो कृष्णा इज सप्लाइंग ऑल द नेसेसिटीज, बट इफ वी आर अननेसेसरीली डूइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन विदाउट लविंग एंड सर्विंग कृष्ण, देन इट इज ए रॉन्ग थिंग एंड मेटेरियल नेचर विल पनिश अस फॉर दैट रीजन. वी आर ऑल एटर्नली सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण. So therefore, just one example here, Vamandev is actually incarnation of Krishna, avatar. Vamandev is actually one of the avatars of Lord Krishna. He takes away everything from Bali Maharaj, King Bali. Vamandev came and he asked 3 steps of land from Bali Maharaj. With 2 steps, he covered the entire universe. And the third step, Vamandev told where to keep the third step. Because everything was gone under the feet of the Lord, Vamandev. There was no place in this universe to keep the third step. Then Lord Vamandev asked, Vamandev pucha Bali Maharaj se ki kahan hum rakhe third step. To Bali Maharaj apne aap ko surrender kiya Bhagwan ke paas. Aur Bhagwan ko bola ki aap apna jo third step hai wo mera sir pe rakhiye. Apne aap ko samarpan kiya
बाली महाराज, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णस डिवोटीज, भगवान के भक्तों का ये महानता है. कृष्ण भक्तो निष्काम अतएव शांतो, भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है उन उन लोगों में कोई मेटेरियल डिजायर, कोई मेटेरियल डिजायर नहीं होता है. शुद्ध भक्त जो है, जैसे बलि महाराज अपने आप को पूरा तरीके से समर्पण कर दिया वामन देव के सामने, और वामन देव फिर बलि महाराज के प्रति इतना प्रसन्न हुआ कि वामन देव बलि महाराज का गेटकीपर बन गया, बलि महाराज को राजा बना दिया और भगवान खुद उनका गेटकीपर बन गया. सो कृष्णा इज एक्चुअली परचेस्ड बाय हिज डिवोटी. भगवान का भक्त भगवान को खरीद लेता है, भगवान के शुद्ध भक्त प्रेम से खरीद लेता है भगवान को. इसलिए मनुष्य जीवन का अल्टीमेट गोल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना, टू डेवलप लव फॉर कृष्ण. दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज गिवन टू डेवलप दिस अल्टीमेट थिंग, लव फॉर गॉड, लव फॉर कृष्ण. बट अनफॉर्चुनेटली पीपल आर फॉरगॉटन द प्रोसेस एंड पीपल आर नेग्लिजेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग लव फॉर गॉड. चैतन्य महाप्रभु हैज गिवन अस द सिंपल प्रोसेस हाउ वी कैन डेवलप लव फॉर गॉड. इट इज सिंपली बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ चैंटिंग एवरी डे रेगुलरली वी कैन डेवलप द लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण. सच इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द लव ऑफ गॉड इन दिस कलियुगा. The beautiful verse comes in the Bhagavad Gita. Bhumir apo analo bayo kham mano buddhir evacha ahankara iti amme bhinna prakritir ashtadha. Can anyone read the translation of this shloka? Yeshwar Bhuji, I am reading. Yes, yes. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, these eight constitute my separated material energies. Yes. Krishna is saying that these are the separated material energies. That means it is material. All these are material. And Krishna's spiritual world is actually the spiritual energy. And the living entity is the spirit soul, Atma. There are unlimited number of spirit souls. These spirit souls are actually marginal energy of Krishna. They can either be in the material world or they can be in the spiritual world, according to their choice. If they are with Krishna in the spiritual world, then they will be happy. But if they are in the material world, then they will be unhappy, suffering birth, old age, disease, and death. Aparayam itastvo anyam prakritim vidhi me param jiva bhutam mahabaho yayetam dharyate jagat. Liron, can you read? Besides these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mine which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Yes. तो इस material world में, इस दुनिया में ये exploiting nature बहुत strong है. लोग दूसरे को exploit करना चाहता है. Competitive mentality is very strong. To cheat others and go ahead, this is called as exploitation. Spiritual world में ऐसा नहीं है. Spiritual world में सब एक दूसरे का और भगवान का सेवा करना चाहता है, और भगवान भी अपना भक्तों का सेवा करता है. वहां पे देयर इज अ कॉम्पिटिशन ऑफ लव इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. लेकिन मेटेरियल वर्ल्ड में एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटिंग पीपल आर एक्सप्लॉयटिंग द मेटेरियल रिसोर्सेस फॉर देयर ओन एंजॉयमेंट. दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉयट द मेटेरियल वर्ल्ड फॉर देयर ओन एंजॉयमेंट.
and they are also trying to exploit each other. This is the problem of this material world. That is what is told in this sloka of Bhagavad Gita. Aparayam itastu anyam prakritim vidde me param jiva bhutam mahabaho yayedam dharyate jagat. Dharyate jagat. Exploitative mentality. So Krishna is actually the supreme controller. He is not only the supreme owner, he is the supreme controller also. Krishna is the owner of material and spiritual worlds, but he is also the controller of material and spiritual worlds. Material world he controls through Durga Devi. He does not directly control. He controls the material world through Durga Devi. Yes, Subhadip, can you read? What by definition is supremely independent and is never controlled. He is the supreme controller. Nobody is equal to him or greater than him. Krishna is the supreme controller. When Krishna came in this material world 5,000 years back, he showed that actually he is the supreme controller. Everyone was attracted towards Krishna. All the Brajavasis were attracted towards Krishna. The people of the heavenly planets, they were attracted towards Krishna. The men and women of this world, they were attracted towards Krishna. Krishna word, this word means all attractive. Krishna jo ye shabd ka arth hi hai ki jo sabko aakarshan karta hai. Sarva akarshati iti Krishna. Nobody can be equal to Krishna. Nobody can be greater than Krishna. Krishna lifted the Govardhan hill at such a small age. Nobody can imitate that. Krishna is supremely powerful. Nobody can be as powerful as Krishna. Nobody can be more powerful than Krishna. Krishna is the source of all power. Krishna is the origin of all power. Krishna is the controller of everything, the material and spiritual worlds. So, but Krishna is controlled by his devotees. People of this world, they worship the heroes, hero worship. This is the problem of this material world. But they forget that who is the real hero of this world? The real hero of this world is Lord Krishna, who is the real owner. लोग सोचता है कि हाँ कि वो लोग हीरो वर्शिप करके ही पूरा अपना जिंदगी को सार्थक बना लेगा लेकिन ना तो हीरो रहता है ना तो उनका फॉलोअर्स रहता है ऐसा ही होता है जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भगवान श्री कृष्ण का नाम रहेगा उसके बाद भी रहेगा लेकिन ये जो हीरोज है इस मटेरियल वर्ल्ड का कितने दिन का हीरोज है आफ्टर 500 इयर्स हु विल रिमेंबर देम आफ्टर 100 इयर्स हु विल रिमेंबर देम सो नो वन कैन से दैट ही इज द कंट्रोलर एक बार अकबर एक बार बोला कि मैं कंट्रोलर हूँ तो बीरबल उसको बोला कि आप कंट्रोलर नहीं हैं तो बहुत गुस्सा गया अकबर तो अकबर बोला कि आप प्रमाण करके दिखाइए कैसे मैं कंट्रोलर नहीं हूँ तो बीरबल बोला कि सुबह सुबह आपको मैं नाव में घुमाने लेके जाऊँगा सुबह 5 बजे आप कल को जल्दी उठ जाइएगा तो अकबर बोला ठीक है तो बीरबल सुबह सुबह उठ गया और फिर अकबर ने उसको नाव में बैठा कर घुमाने लगा नदी में तो अकबर को फिर ही गॉट नेचर्स कॉल तो बीरबल घुमाते ही रह रहा है पूरा नदी में अकबर बहुत गुस्सा गया हाँ कि तुम क्यों मेरे को नहीं लेके जा रहा है किनारे में मेरे को नेचर्स कॉल लगा है
तो बहुत गुस्सा गया और बीरबल बात ही नहीं सुन रहा है। फाइनली बीरबल बोला कि देखिए प्रमाण हो गया ना, आप सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है, यू कैनॉट कंट्रोल योर बॉडी ऑल्सो, यू आर क्लेमिंग दैट यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर, हाउ इज इट पॉसिबल, यू आर नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर। सो नो वन कैन बी इक्वल टू गॉड और ग्रेटर देन गॉड। सो यू सी द स्मॉल कोरोना वायरस today he is controlling the entire world. Can human being claim that he is the controller? Itna technological development ke baad, itna medical science development ke baad bhi dekhiye kitna chota sa coronavirus pura duniya ko control kar raha hai. Jo dikhta nahi hai wahi pura control kar de raha hai pura duniya ko. Sochiye kitna powerful hai. So therefore we should not claim ourselves as the controller. We should accept the controllership of Krishna and surrender to Krishna. Anirudh, can you read? Yes, Prabhu. There is no being existing either here or among the demigods in the higher planetary system which is freed from the three modes of material nature. Yes. A material world, थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा है। ये थ्री मोड्स क्या क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन मोड्स हैं, थ्री मोड्स, एंड दीज मोड्स आर कंट्रोलिंग एवरी वन, नो वन इज एस्केप फ्रॉम दिस थ्री मोड्स। माया देवी सबको इस तीन गुण के माध्यम से कंट्रोल करता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इस तीन गुण के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, so I'm not going into details of these three modes. लेकिन हम लोग ये आत्मा जो है, ये आत्मा माइन्यूट कंट्रोलर है, जैसे एक तो ड्रोन को, एक तो फ्लाइंग कैमरा को कंट्रोल कर पाता है एक सोल, छोटा छोटा कंट्रोलर, स्मॉल कंट्रोलर। लेकिन कृष्ण अनलिमिटेड यूनिवर्सेस को कंट्रोल कर रहा है, अनलिमिटेड प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग बहुत ही माइन्यूट कंट्रोलर है, कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर है। कृष्ण इज विभु, हम लोग हैं अनु, ये अंतर है कृष्ण और जीवात्मा में। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता है, भगवान एक ही है, लॉर्ड कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। नो बॉडी कैन बी इक्वल टू गॉड, नो बॉडी कैन बी ग्रेटर देन गॉड। एवरी सोल इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, देयरफॉर हिज ड्यूटी इज टू सर्व एंड लव गॉड। वी शुड यूटिलाइज द मैटर फॉर कृष्णस सर्विस and that will bring liberation to us, that will liberate us. But if we exploit matter for sense gratification, वो हम लोग को और कष्ट देगा, हम लोग को और ज्यादा इस material world में हम लोग को बांध के रख देगा। It will entangle us more and more and more. So that is not the right thing to do. Therefore you should utilize everything for Krishna's service. Krishna is the supreme controller. कृष्ण इज द सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ लव, प्रेम का पात्र है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण को हम लोग अगर सबसे बेस्ट चीज अर्पण करते हैं तब हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग हैप्पी रहेंगे। तो भगवान कृष्ण भी अपना भक्तों के द्वारा कंट्रोल्ड हो जाता है पूरा पूरी। कृष्ण को जो कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है वही कृष्ण अपना भक्त के द्वारा कंट्रोल्ड हो जाता है पूरा। सो कृष्ण व्हेन ही वाज इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र का बैटल फील्ड में आवाज सुनाई नहीं देता था, इतना शोर था उधर पे, आवाज सुनाई नहीं देता था। तो कैसे डायरेक्शन दिखाएगा, कैसे सारथी को डायरेक्शन दिखाएगा? कि लात मार के डायरेक्शन दिखाया जाता था, दाहिना तरफ लात मारने से दाहिना तरफ जाना है सारथी को, बायां तरफ लात मारने से बायां तरफ जाना है। तो कृष्ण अर्जुन का लात खा रहा था, ये था स्थिति। और कितना बड़ा, मतलब सोचिए, भगवान होते हुए भी देखिए भक्तों का दास बन जाता है, भक्तों का सर्वेंट बन जाता है। ये है भगवान कृष्ण का महत्व, ये एक सुप्रीम लॉर्ड का, सुप्रीम भगवान का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ये है स्पेशलिटी। इज लविंग गॉड एक्चुअली,
Krishna is supreme enjoyer also. Rasaraj, Krishna is Rasaraj. Later on, can you read? What's this written? Yes, Prabhu. The owner of a company does not have to work in office. He owns the property and enjoys. Others can also enjoy if he cooperates with them, with him. Otherwise, he has to go out of the company. So owner jo hai, the Mukesh Ambani ka company hai, to usko wo company ke uske anusar se chalna padega. Otherwise, he'll be out of the company. तो कोऑपरेट करना पड़ेगा कंपनी का मालिक के साथ. सिमिलरली मटेरियल वर्ल्ड में सबसे सुप्रीम मालिक है भगवान श्री कृष्ण. मटेरियल वर्ल्ड का कंट्रोलर और अल्टीमेट एंजॉयर भगवान ही है. सो देयरफॉर लिविंग एंटिटी शुड कोऑपरेट विद कृष्ण. लिविंग एंटिटी शुड टेक द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्ण इन द भगवद गीता वेरी सीरियसली. लिविंग एंटिटी शुड टेक द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वेरी सीरियसली. देयर बाय दे विल बी able to happy in this Kali Yuga. Natasya karyam karanam cha vidyate. The Supreme Personality of Godhead has no work to do. Unko koi duty nahi jana hai, unko kuch aisa nahi hai ki khawar khana jugar karna hai, pet chalana hai, biwi bachcha palna hai, aisa kuch nahi hai, koi karya nahi hai. सिर्फ अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना और भक्तों को आनंद देना ही एकमात्र कार्य है भगवान का. दिस इज द ओनली बिजनेस ऑफ द लॉर्ड. और कृष्ण इस मेटेरियल वर्ल्ड में आता है किस लिए? अपना भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए ही आता है. भगवान लीला क्यों करता है? अपना भक्तों को एंजॉयमेंट देने के लिए. अपना भक्तों का दास बन जाता है कृष्ण. इतना महान सुचिर, दूसरा कोई रीजन उतना नहीं है. असुर को मारना बहुत बड़ा बात नहीं है कृष्ण के लिए. असुर को तो ऐसे ही भगवान दुर्गा देवी का माध्यम से ही मार सकता है असुर लोगों को. महिषासुर जैसे वध किया भगवान कृष्ण दुर्गा देवी का माध्यम से ही. तो असुर को वध करना मेन कारण नहीं है मेटेरियल वर्ल्ड में आने का. भक्तों को आनंद देना, अर्जुन जैसे भक्तों को आनंद देना, प्लेजर एंजॉयमेंट देना, यही भगवान का. और उनके साथ आदान प्रदान करना, यही भगवान का मेन गोल होता है और यही भगवान का एकमात्र कार्य है. नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ओ सनप्रीता. देर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब फॉर मी विद इन ऑल द थ्री प्लैनेटरी सिस्टम्स. इज ओनली बिजनेस इज टू लव एंड सर्विस डिवोटीज एंड डिवोटीज आर लविंग एंड सर्विंग कृष्णा. देर इज अ कॉम्पिटिशन ऑफ लव एक्चुअली. सो अगर भगवान कृष्ण को अगर कोई सेवा करता है, जैसे कोई पेड़ है, उस पेड़ का अगर पेड़ का रूट में अगर कोई पानी देगा, उस पेड़ का रूट में अगर कोई पानी देगा तो क्या होगा? तो पूरा पेड़ को नरिशमेंट मिलेगा. इसी तरीके से सब कुछ का ओरिजिन सोर्स कौन है? भगवान श्री कृष्ण. कोई भगवान श्री कृष्ण का अगर सेवा करेगा तो सब कोई खुशहाली में रह सकता है. एवरी वन कैन बी हैप्पी इफ दे आर एंगेजिंग इन सर्विस ऑफ कृष्ण. एंड यू कैन सर्व कृष्ण बाई चैंटिंग हिज होली नेम्स, द हरे कृष्ण महामंत्र. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एवरी डे चैंटिंग आवर प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स. दिस इज अ ग्रेट सर्विस टू लॉर्ड कृष्ण. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस टू लॉर्ड कृष्ण. This service you can do every day. You should do every day, in fact. Shubhadeep, can you read? If the hand is cut from the body, it is useless. It becomes useful only when it is connected to the body. If the hand is cut, it is useless. If it is connected to the body, it is useful. Similarly, if the soul is connected to the Supreme Lord, it is useful. If the soul is disconnected from the Supreme Lord Krishna, it becomes useless actually. Just like a machine part. If the machine part is actually connected to the machine, it is useful. If the machine part is not connected to the machine, it is useless.
कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल आवर एबिलिटीज एक्चुअली. हम सब में टैलेंट्स हैं, डिफरेंट पीपल में डिफरेंट टैलेंट्स दिया है भगवान. उस टैलेंट्स को हम लोग भगवान का सेवा में यूटिलाइज करना चाहिए हम लोगों को, देन वील बी हैप्पी. एंड कृष्णा इज गिविंग अस ऑल द रिसोर्सेस फॉर व्हाट, सो दैट वी कैन यूटिलाइज दोज रिसोर्सेस इन कृष्णा सर्विस. दैट इज द थिंग, व्हाट वेदर वी आर स्टडीइंग, वेदर वी आर डूइंग जॉब, वी कैन डू दैट एज ए सर्विस टू कृष्णा along with the chanting of the holy names of Krishna. Our natural position is to serve the Lord. Jibere swarup hoy Krishnero nitya das. That is our eternal constitutional position, to love and serve Krishna. Bijam mam sarva bhutanam vidhi partha sanatanam buddhir buddhimatam asmi tejas tejasvinam aham. Anirudh, can you read? Yes, Prabhu. O son of Pritha, know that I am the original seed of all existences, the intelligence of the intelligent, and the prowess of all powerful men. Krishna is a source of intelligence. Buddhi kaun deta hai? Bhagwan Krishna buddhi deta hai. If we pray to Krishna, Krishna will give us intelligence of how to surrender to him, how to approach him. That is the process of Krishna consciousness. बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम इज द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट. हु इज गिविंग इंटेलिजेंट? कृष्णा इज गिविंग इंटेलिजेंस टू द इंटेलिजेंट. वी आर एक्चुअली एटर्नली रिलेटेड टू कृष्णा. भगवान के साथ हम लोग अपना संपर्क भूल चुके हैं. हम लोग सबका संपर्क है भगवान कृष्ण के साथ, लेकिन उस संपर्क को हम लोग अभी भूल चुके हैं. वी आर इन ए स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस. उस संपर्क को फिर से जगाने का ही प्रोसेस है ये चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना. इस चैंटिंग का माध्यम से ही हम लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ हम लोग जो रिलेशनशिप को भूल चुके हैं वो फिर से हम लोग रिवाइव कर सकते हैं, उसको रिकेंडल कर सकते हैं. कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख. कृष्ण को भूल के इस 84 लाख योनि में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइफ में भटक रहा है आत्मा. कृष्ण को भूल के, कृष्ण बोली जय जीव अनादि बहिर्मुख, मेटेरियल वर्ल्ड में चक्कर काट रहा है, एक स्पीसीज से दूसरा स्पीसीज में चक्कर काट रहा है स्पिरिट सोल, और माया देवी के द्वारा माया देवी का मार खा रहा है, कष्ट पा रहा है. कृष्णा ऐसा नहीं चाहता है. कृष्णा सबको गोलोक वृंदावन में बुलाना चाहता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बुलाना चाहता है. इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप में आया. सो इफ वी चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्र सिंसियरली एवरी डे, वी कैन स्लोली बट श्योरली रिवाइव आवर ओरिजिनल relationship with Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram Ram, 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 Hare Hare. So I end here.